लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। और पुण्यात्माओं, जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की ये पिछली पीढ़ी आ गई, परमात्मा इसे दयालु है कि अब ये पूरे विश्व में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को, पूरे चाहे वो किसी भी योनी से दोबारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करेंगे, अभी तुरंत परमात्मा की वाणी जगह जगह गूंजेगी। मालिक ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए ना, ये आदमी की बुद्धि की सतर के इंस्ट्रूमेंट है, जो कंप्यूटर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इसमें टेप भी अंदर, रिकॉर्डर भी अंदर, और बातचीत कर लो बाहर से वो भी अंदर। ये मनुष्य यही था सतयुग से लेकर आज तई, और इस पर ढंग से पेचकस नहीं बना था, ना कोई ऐसा कोई साधन था कृषि का। तो अब ये इसलिए बनवाए हैं परमात्मा ने कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों तक, चाहे वो किसी योनि में, कुत्ते गधे सुअर या अन्य किसी योनि में है, जैसे कुम्हार ने नाम ले लिया, मोबाइल साथ रखेगा, गधे साथ होंगे, उन गधों पर भी वाणी का असर होगा। मालिक की इतनी सौसिद्ध वाणी है ये परमात्मा की। किसान हल जोतता है और बैलों के साथ घूम रहा है, जेब में मोबाइल है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है, क्योंकि सुने बिना तो मर ही नहीं सकती, या मंत्र लाओगा या अपनी परमात्मा की वचन सुनेगा तो उन बैलों पर भी असर होगा। उनकी प्रारब्ध कर्म पूरा होते ही उनके बहुत से पाप कर्म इस वाणी से निर्मल हो जाएंगे और उनको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार पूरे विश्व में परमात्मा एक बार सभी प्राणियों पर रहम करेगा, और जो अच्छी आत्मा है वो तो पार हो ही जाएंगी, क्योंकि उनको ज्ञान सुनेगा उनका, वो तो सिर धड़की बाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे, परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया, और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़की बाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना, और वहाँ से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना, जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, उस आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में, या तो भगवान चाहते नहीं तुम। कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूँ तब यूँ नियम तब मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा, अरे इन महापुरुषों की तरह। लेकिन उन नव वस्तु भी ना मिले, तुमने वो मिलने जा रही है। तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे, और टाइम के लिए कुमार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते, और उससे रोटी प्राप्त करते थे, और वहाँ मजदूरी करते जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही है ये, जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए, जब इनको ज्ञान हो जाएगा। समझना अरिपती बात हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना, रो माथे बात मार मार के। परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया, तने लाया नहीं विचार, ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, कुछ भी ना सोचा, आत्मा तू कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है तूने। तो पूरे विश्व में अब शांति होगी, एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा, हाहाकार मिट जाएगी। हम जो भिन्न भिन्न पंथ बना बैठे, भिन्न भिन्न मजहब बन बैठे, हम अपने भोलेपन में अलग अलग हो गए, परमात्मा के लिए हुए हम। हमने सोचा हिंदू धर्म अपनाने से भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजहब बना, मुसलमान धर्म बना, तो हमने सोचा शायद इससे भगवान मिलेगा, तो उसमें चले गए, उस वो ग्रहण किया कुछ पुण्यात्माओं ने। फिर किसी ने पता लगे अभी सिख धर्म से हमें लाभ होगा, तो सिख धर्म भी खूब अनुयायी बने।
किसी ने ईसाई धर्म से सोचा कि शायद ऐसे भगवान मिल जाएगा तो ईसाई बन जाएंगे हम, लेकिन अब हमें पता चलेगा क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विश्वास किया करते थे और अब हम आंखों देख कर विश्वास करेंगे अपने सदग्रंथों को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने जो साधना की और जैसे वो रहे, हमने ऐसे ही करना पड़ेगा तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना तो फिर केवल कहने की बातें हैं। तो इस प्रकार हम फिर एक होएंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा उस समय परमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे। अब वो परमात्मा न्याय दास को इस योग्य समझा होगा, भेज दिया, लेकिन पावर और शक्ति और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का। अब फिर दूसरे शब्दों में कबीर परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, मेरा ही स्वरूप समझना, गुरु को परमात्मा के तुल ट्रीट करना, तब तुम्हारी समस्या हल होगी। भले ही जैसे गुरु जी परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपका समाधान हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसमें मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, फिर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त हो सकता है। ओरिजिनल मूलधन अरबों में होता है, लेकिन उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है, गुरु एक मनुष्य नहीं। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जोगने, अर्प करे चरणामृत को पान, ऊ चरण धो दो पीवारू मानुष गिने, ते नर नर कह जावेंगे युग युग होए समान, चाहे भक्ति भी कर रहे। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले, हम अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज का कर सकते हैं, अगर शरीर का करते हैं, ऊंच जाति का करते हैं, शरीर में एक मिनट में अधरंग मार जा, पड़ा पड़ा बांगा मुँह हो जा, मुँह में माखी बड़े और लकड़े हाथ से हटा भी नहीं सकता, बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी। आज ऊंच जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के साथ काम दिया उस जाति और मजहब ने, तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे गुरु जी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर, और कबीर परमात्मा आ जा जो भगवान है हमारे सबके सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहाँ से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो,
गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल के हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे, जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे, और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते हैं, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा, भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे।